अरे भाई मैं फिर नहीं फिर रहने दीजिए जो है वो भी भाई लोग आप लोगों को हटना पड़ेगा थोड़ा एक सेकंड स्लोली स्लोली दो 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 उठा 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 ठीक है फिर मैं रख रहा मेरा हाँ रख रहे सब 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 ना वायर यूज कर रहे अरे वो बैठ गया भाई बोल रहा है मैं आपको किसी ना किसी ना ये बाय तो
सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का और सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल आप लोग आते हैं और मेरे साथ ये खुशी बांटते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच गाइस. 12 बजे ज़रा बताएं. कल रात 12 बजे मैं सो रहा था. मैं दरअसल शायद 10:30-11 बजे मैं किताब पढ़ रहा था और एक 15-20 मिनट पढ़ के मैं फिर सो गया. तो 12 बजे कुछ खास नहीं किया, मैं बड़े नींद में था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे. जब 12 बजे सो रहे थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सरप्राइजेस तो आए होंगे जो आपको सुबह पता चले. हाँ, मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आए और कुछ मिस्ड कॉल्स आए 12 बजे. गिफ्ट्स तो अभी तक मुझे एक भी नहीं मिला है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लाए होंगे साथ में. इस बार का बर्थडे कितना स्पेशल रहेगा? हर बार, हर साल तो होता है बट फिर भी एनीथिंग मेकिंग प्लान एंड वर्किंग ऑन योर बर्थडे. एक्चुअली मैं हर साल की तरह इस दफ़ा भी अपने परिवार के साथ हूँ. इस दफ़ा परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि गीता, बबीता, महावीर जी भी आज आ रहे हैं हमारे साथ ये खुशी बांटने के लिए. और दोस्त यार हैं और फैमिली के साथ मैं हूँ. अम्मी आएंगी तो हर साल मैं फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. तो अम्मी की तरफ से हर साल तो नया गिफ्ट मिलता है. अम्मी जो हैं वो मेरे लिए जो गिफ्ट दे रही हैं वो हर साल मुझे सेम गिफ्ट देती हैं. मुझे उनके हाथ का सीख कबाब बड़ा पसंद है, तो वो हर साल वो मेरे लिए बनाती हैं, तो इस साल भी बनाया उन्होंने. आमिर सर आपसे एक सवाल बनता है कि हमने रिसेंटली स्टार्ट ईयर में आपका इनिशिएटिव देखा है, कमर्शियल देखा है. तो स्टार प्लस में हमने रिसेंटली आपका नया कमर्शियल देखा है, एक इनिशिएटिव देखा है. कैन वी से दैट कि आप बहुत जल्द सत्यमेव जयते शुरू करने वाले स्टार प्लस? नहीं, एक्चुअली सत्यमेव जयते की जो मेरी पूरी टीम है ना, हम लोग सब पानी के सिलसिले में काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र में जो दुष्काल आता है हर साल, तो हम उसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं. तो मेरी पूरी टीम सत्यमेव जयते की उसमें काम कर रही, मैं भी उनके साथ, हम लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसलिए लिहाजा हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम 24 घंटा 24/7 हम उस पर काम कर रहे हैं. तो इस वक्त हमारा राउंड 2 चल रहा है सत्यमेव जयते वाटर कप का. इस साल हमने करीबन 10,000 लोगों को ट्रेन किया है पान लोड के काम में. और हमारा जो कंपटीशन है वो शुरू होगा अप्रैल में, 2 महीने चलेगा. तो इस दफ़ा हम लोग फरवरी और मार्च के 2 महीनों में हमने 10,000 लोगों को ट्रेन किया है पान लोड के काम में और 30 तालुका में काम कर रहे हैं. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी टीम जो है वो टीवी पे हमारा शो हम नहीं ला पा रहे हैं. जी ओके. आमिर, आपने पूछा है कि पिछले एक साल में आपके लिए क्या कुछ बदल गया है? ऑब्वियसली दंगल बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन एक साल में क्या कुछ बदल गया है, क्या कहेंगे? पता नहीं यार, कुछ खास बदला नहीं है. ठीक ही चल रहा है सब कुछ. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तो बदल गए हमें? नहीं, बॉक्स ऑफिस तो ठीक है. मतलब मुझे खुशी बहुत इस बात की है कि जो हमने सब ने मिलकर, नितेश जी और हमारी पूरी टीम ने मिलकर जो एक फिल्म बनाई, उसको इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, और इस बात की हमें बेहद खुशी. बाय एंड लार्ज, या आई मीन, इफ़ यू मेक अ गुड फिल्म देन पीपल विल लव इट. इफ पीपल लव इट दे विल सी इट. So your numbers will increase, yeah. By and large. Amir sir, आप मानते हो कि actually ऐसा एक दौर था 15 साल पहले में, you had given little films were not really working well. हाँ. पर अभी ऐसा हो गया कि आमिर पे 100% भरोसा है audience. जैसे नहीं, मेरी फिल्में हमेशा work करती थी. मुझे कोई याद नहीं आ रहा कौन सी फिल्म मेरी वक्त नहीं हुई. पहले 15 भी जो दौलत की जाए, 15 साल पहले एक फिल्म आई थी, 15 साल पहले लगान आई थी. बॉडी पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया आपने, कभी स्लिम हो जाते हैं, कभी बहुत मोटे हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी असर पड़ता होगा. अब क्या उन बातों को ध्यान में रखेंगे कि यार मैं अब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूंगा? नहीं, मैं तो दरअसल ये है कि एज एन एक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसको मैं पूरी तरह निभाऊँ. और उसमें कभी कभी फिज़िकल भी हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं बॉडी में, तो जब भी वो ज़रूरत पड़ती है मैं करता हूँ, और आगे भी पड़ेगी तो मैं करूँगा. मैं समझता हूँ कि उसमें सेहत पर असर पड़ सकता है, लेकिन इस वक्त तो मैं उसके बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ. क्योंकि क्या है कि मैं बह जाता हूँ जब मैं उस कैरेक्टर को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसी के बारे में सोचता हूँ और हेल्थ के बारे में मैं नहीं सोच पाता. और अभी तक तो ठीक ही चल रहा हूँ मैं, आप लोगों की दुआ से. आमिर साहब, हाउ मच यू बिलीव दैट एज इज जस्ट अ नंबर? या
the only film I'm doing right now is Thugs. That's the only film. I have not signed any other film. What is your status? Sorry? Hamari shooting June mein shuru hogi. June mein hamari shooting shuru hogi. Amit sir, how much do you believe that age is just a number? Sorry? Haan. Netflix? नहीं 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 शाहरुख से मैं दो मरतबा मिला हूँ पिछले एक दो महीने में. एक अजय बिजली की बर्थडे पे मिला था मैं, जब हमने बहुत दिनों बाद हम लोग मिले तो बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर और उसके साथ वक्त बिताकर. और अभी हाल ही में दो दिन पहले उसने मुझे घर पे बुलाया था, एक गेट टुगेदर था. तो ऐसे ही मिल रहे हम लोग, जस्ट एज फ्रेंड्स. नो नो, वी जस्ट मीटिंग casual here. Amit sir, not really, no, we're just meeting as friends, no, we haven't discussed work. Amit sir, how much do you believe that age is just a number? Age is nothing but just a number. Age is just a number. It's actually what is important is how you feel in your head. And I think if you feel happy about yourself, you feel happy about your life, you then it doesn't matter what your age is, I think. And I mean, I think for a person to remain excited and curious and wanting to explore is a wonderful thing. So it doesn't matter what age you are, you can be doing that at any age. As a celebrity, do you think or do you feel think twice about saying something or raising your opinions about something that matters? Now, are you more careful about giving your opinions? No, I've always been careful. I don't think I've ever been careless about giving my opinion on matters. I've always been careful and I'll hopefully continue to be careful. But I would also like to continue to say what I feel. You are friends with Karan and Kangana. Nepotism pe aapka kya khayal hai jo Bollywood se chala? Nepotism ka matlab kya hota hai? Bhai bhatija baat. Favoring your friends, family, the one you love. Haan. Well, you know, I feel that that's a very natural human emotion. You're asking me in general, na? Yeah. Not specifically to that issue. If you want to give your opinion on that also, if you... Nahi, to aap specific question poochiye. In general, I think it's a very normal human nature to try and help people who you love and who you care for. It's a very natural thing. It doesn't have to be someone who's part of your family. It can be someone who you care for. So that's a very natural emotion. I try and make sure that in my work, I don't try not to allow that to interfere, because I think that मेरी जो जिम्मेदारी है एज अ क्रिएटिव पर्सन वो अपनी ऑडियंस की तरफ है और उसको मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ. तो आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग इन इमोशंस इन माय वर्क. जी अच्छा, हाँ मैं ले लेता हूँ आपसे बाद में, अभी रुकिए, अभी इंटरव्यू चल रहा है. No, I don't feel the pressure. I'm not even thinking of the numbers when I sign a film. I'm thinking of what I want to do, and when the script excites me, I want to do that. So I'm not thinking of the numbers when I'm signing a film. When I'm signing a film, I'm more interested in what I'm going to be doing. मैं अपने अगले एक दो साल उसमें रहूँगा तो मुझे वो जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव, हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को वो एक मन बनाना पड़ता है. कब आप कोई चीज़ करना चाहें, कोई बहुत ही मुश्किल काम करना चाहें, तो कभी कभी आपको मन बनाना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, और आप सोचते हैं कि हाँ मैं अब ये करके रहूँगा. उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, जब आप कोई चीज़ तय करते हैं कि मैं ये करूँगा. तो अगर आपके ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप करना चाहते हैं, तो आप अपना मन बनाएं और वो करें. मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं. फिल्म फेयर मिला, दंगल को बहुत सराहा गया, आपको फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट मिला भी और आप मौजूद नहीं थे हमेशा की तरह, तो क्या नेशनल अवार्ड की उम्मीद कर रहे हैं और कब आप फिल्म फेयर में आएंगे? क्या एक्चुअली मैं अवार्ड्स में नहीं जाता हूँ. आई एग्री सर, वी आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क. हाँ, डू यू एक्सपेक्टिंग नेशनल अवार्ड? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं. और अगर मिल जाता है नेशनल अवार्ड फिल्म को किसी के माध्यम से, तो क्या कहना है? नहीं, मतलब मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ. लास्ट क्वेश्चन, 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 लास्ट क्वेश्
question. Not just been increasing over the years. You've also spoken out a lot on social issues. Any chance we'll see you entering politics at any point? No. Politics is not for me. I feel that there's a lot I can contribute staying in the creative field that I'm in. And as an artist, as a creative person, there's a lot I can contribute to society, to the nation, and I would like to do that from where I am. Guys, I don't want to change. So how important is the national award? How important? For example, we are taking this last question, please. अच्छा resolution का किसने पूछा था मुझसे? हाँ, मेरा एक resolution है. आपने अभी बोला तो मुझे याद आया. इस साल मैं विक्टर को बहुत परेशान करने वाला हूँ. मैंने ये रेजोल्यूशन किया है कि मैं आई बी सॉरी नहीं नहीं ये अभी लुक हम लोग चल रहा है. मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, अब छोटी की है. हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी भी. I hope not. In the sense that I feel that all four of them are very talented girls, and I think they're very bright and intelligent girls, and I don't think they need my advice or if they do, I'm always there for them. But I hope that they have wonderful careers, and I think they'll be a big asset to the industry because all four are very talented. So I wish them all the very best. Would you be working for Salman? Thank you guys. Thank you. Bye bye. Shahrukh aur Salman mein se aapko kaun lagta hai ki unko politics mein jana chahiye? Unki qualities dekh ke. Politics ke baare mein to mujhe kuch itna jankari bhi nahi hai. But thank you so much, guys. And one thing I want to say, this year I'm really excited about one thing. I've been a huge fan of Amit ji all my life. और ये मेरा पहला मौका है जो मैं अमित जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिस तरह के कलाकार हैं और जिस लेवल के एक्टर हैं वो, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट दिस ईयर. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.